नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए, हम जिस विषय पे बात कर रहे थे वो था कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसका आगे का पार्ट हमने उसमें पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे बोलते हैं, क्या उनको किस प्रकार से उसको बुलाया जाता है, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, क्या उसका नॉमनक्लेचर है, कितने तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, फिर उसके साथ साथ कैसे हम उनको डिफरेंट प्रिपरेशन है, मैथड्स हैं उनको करने के लिए। तो हमने पहला मैथड किया था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। दूसरा मेथड हमने किया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। तीसरा मेथड हमने किया हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। फिर मैंने आपको चौथा मेथड कराया था, वो था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। उसमें मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इन एसिडिक मीडियम, मतलब जब हमारे पास एसिड रहता है उस मीडियम में पानी के साथ, और दूसरा है जब उसमें बेस रहती है, बेसिक मीडियम में हमने उसको कर लिया। उसका तो पूरा मैंने आपको बताया, विशेष आपने उस पर ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें ये बताया गया है कि इसका आपको पूरा जानना है, इसके अंदर की पूरी डिटेल्स जाननी है कि ये एक्शन कैसे हुआ, ये रिएक्शन कैसे हुआ, कौन किसके ऊपर अटैक करता है, उसको अच्छे से जानना है, उसको अच्छे से जानना है। इसीलिए हमने उसकी पूरी पाथवे डिजाइन करी, मैकेनिज्म देखा। वो तो थी एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब एसिड के होते हुए। अब हमने करनी है हाइड्रोलिसिस किसके माध्यम में, किस मीडियम में, बेस के होते हुए। तो बेस को हम हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे एस्टर्स की, और ताकि हमें एसिड मिले। ठीक है, तो मैं कर रही हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। कौन सा हाइड्रोलिसिस? बेसिक मीडिया वाला। ठीक है, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स हो गया। अब हम पहले लिखते हैं हमारा एस्टर क्या था। जैसा मैंने आपको पहले बताया, एस्टर क्या है, ये ग्रुप COO, इस ग्रुप को हम एस्टर कहते हैं। तो मैंने बोला हाइड्रोलिसिस कैसे, वाटर डालना है, और पहले हमने H+ की प्रेजेंस में किया, अब हमने OH की प्रेजेंस में करना है। बनना तो हमारा कंपाउंड वही है, एसिड ही, प्लस R-OH, लेकिन ये यूज चूंकि बेसिक मीडिया हम करते हैं, NaOH को डालते हैं, तो हमें सोडियम सॉल्ट मिलता है। इसने अपना H पॉजिटिव लूज किया और सोडियम पॉजिटिव को पिकअप कर लिया, और बन गया हमारा RCOONA। अब किस तरीके से ये होता है ये मैं आपको इसकी जानकारी देती हूँ। ठीक है, देखिए, ये है हमारा एस्टर, और अब हम इसमें, ये हमारे पास बेस, उसमें अगर आपको याद हो मैंने किया था H+, अब हमारे पास क्या है OH। अब ये OH क्या करता है, इस पे अटैक। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मैंने जैसे आपको बताया क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी क्या टेंडेंसी है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं। अब अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट किए तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहे, नहीं रहे का मतलब वो पॉजिटिव करेक्टर आ गया, उस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। प्लस है, उसके सामने OH है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसके ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या स्पीशी जनरेट हो जाएगी, RCO- OHOR- हो गया। लेकिन ये अगर आप देखो ध्यान से, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, ध्यान से देखिए आप, क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है,
ये कभी ऐसे रह नहीं सकता, ये किसी के साथ शेयर करके कोई बॉन्ड बनाएगा या कहेगा कि मुझे स्टेबिलिटी। मैंने पहले भी, आप जानते हो, ऑक्सीजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। अब बैलेंस बनाने के लिए किसी भी रिएक्शन को अगर चलना है आगे, तो कोई ना कोई एक मोटिव होना चाहिए, क्यों चले, क्यों ऐसा हो, तो लॉजिक क्या है इसके पीछे। ऑक्सीजन कह रहा है मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो क्या होगा, ये इस OR डैश को वापस बाहर भेजेगा। और हमेशा याद रखो, जब भी कोई डायरेक्शन ऐसे है, इसका मतलब होता है इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एरो का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स के संग जा रहा है, मतलब ये OR कैसे निकला, OR नेगेटिव के फॉर्म में निकला, OR पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव तब होता अगर डायरेक्शन रिवर्स हो, ये डायरेक्शन रिवर्स नहीं है। आपको हमेशा एरो का डायरेक्शन देखना है, एरो का डायरेक्शन क्या इंडिकेट करता है कि OR नेगेटिव है, या कोई भी स्पीशीज जो है वो नेगेटिव है, जिस तरफ एरो उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे एरो निकलता है वो प्लस। तो ये निकल गया OR नेगेटिव। अब हमारे पास देखो क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यही तो हम बनाना चाह रहे थे, प्लस प्लस हो गया आर डैश ओ एच, तो हमें एसिड भी मिल गया और अल्कोहल भी मिल गया। लेकिन रिएक्शन यहीं पे खत्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास बेसिक मीडिया है, NaOH है। अब क्या करेगा, ये बना देगा आर सी ओ ओ नेगेटिव, फिर NaOH है हमारे पास, तो बना देगा सोडियम सॉल्ट, क्योंकि हमने बेसिक लिया। तो जब भी हम एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं, किस तरह, बेसिक मीडियम में, तो हमें हमेशा सोडियम सॉल्ट मिलेगा। ये सोडियम सॉल्ट जितनी आसानी से बनता है, उतनी आसानी से ये ब्रेक भी हो जाता है और वापस हमें एसिड मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा विशेष मेथड है बनाने का कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसी को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एस्टर्स बहुत आराम से मिलते हैं। एस्टर्स मिलते हैं, हम उसमें चाहे NaOH डालें, चाहे हम एसिड डालें, और हमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। आर हमारी चॉइस पे रहता है, आर हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जरूरी नहीं है क्वेश्चन वहां ऐसे आ जाएगा, प्रश्न ऐसे आएगा, प्रश्न आ जाएगा, आप एस्टिक एसिड कैसे बना सकते हैं एस्टर की हाइड्रोलिसिस से, तो आपको क्या करना है, एस्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, इसका मतलब है हमने आर की जगह क्या लेना है, CH3, बाकी सारी चीजें से ऐसे करके आप रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ये हो गया हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। अब हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स। ऑफ एसिड क्लोराइड्स, अब नाम से जानिए आप, एसिड का मतलब हो गया आर सी ओ ओ एच, और क्लोराइड का मतलब है ये OH नहीं है, इसकी जगह पर CL ग्रुप ऐड हो, तो क्या बोलेंगे हम इसको, एसिड क्लोराइड। इस एसिड क्लोराइड की हमने फिर हाइड्रोलिसिस करी और हमें मिल गया आर सी ओ ओ एच प्लस HCl। हमें तो यही बनाना था, हमें तो एसिड ही बनाना है। अब हमने एसिड क्लोराइड में हाइड्रोलिसिस करी, पहले एस्टर्स की थी, अब हमने एसिड क्लोराइड की। नेक्स्ट मेथड आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड्स। अब पहले जानो बच्चों, एमाइड ग्रुप क्या होता है, है ना, जैसे आपको एस्टर ग्रुप जाना हमने, ऐसे ही आप एमाइड ग्रुप जानो। आर सी ओ NH2, ये CONH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप। अगर हम इसकी भी हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस का मतलब अब आप जान गए हो अच्छी तरह, यहां OH और यहां H, तो हमें क्या मिल जाएगा, RCOOH प्लस अमोनिया। ठीक है, देखो ध्यान से, ये था एसिड क्लोराइड, OH की जगह क्या था यहां पर, Cl, यहां क्या है OH की जगह पर, NH2, हम डाल क्या रहे हैं, H2O means water, जिसको मैंने बताया आपको hydrolysis, water का addition हम hydrolysis करते हैं, और water हम ऐसे लिख सकते हैं H और OH negative, तो देखो क्या हुआ,
यहाँ पर OH और यहाँ पर H, ऐसे ही यहाँ पर OH और यहाँ पर H, ये बन गया एसिड और अमोनिया बन के बाहर निकल गया। तो ये हमारा एक और तरीका हो गया बनाने का एसिड्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हाइड्रोलिसिस से, जिसका हाइड्रोलिसिस चाहे एस्टर की करी, चाहे साइनाइड की करी, चाहे एसिड क्लोराइड की करी, या हमने एमाइड्स की करी। ठीक है, अब एक और विधि है इसको बनाने की, वो है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन ऑफ, किसकी रिएक्शन हमने किससे रिएक्ट कराना है, क्रिया करनी है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऑफ CO2 विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड अगर जानते हो फिर भी मैं बता देती हूँ ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX, इसको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, GR नाम से ही इसको जाना जाता है। तो किसका किसका मैंने बताई क्रिया होनी है, ठोस क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की और ग्रिगनार्ड रिएजेंट की, देखो, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस, पानी तो डलेगा ही डलेगा। अब हमने कैसे करना है, CO O हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारा RMGX ये बना देता है RCOOMGX, फिर हमने इसमें डाल दिया वाटर और ये बन गया RCOOH प्लस MgOHNX। देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये हमेशा होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। तो क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, जो मैं बताती जा रही हूं कि ऑक्सीजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन खींचा तो सी पे प्लस चार्ज हो गया, प्लस हो गया तो आर के पास तो इलेक्ट्रॉन्स है, उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, बाकी की कहानी सामने है, ये जुड़ गया इसके साथ, अब आपने वाटर डाल दिया और हमने इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है, एक बहुत जरूरी मेथड है जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ भी बहुत इसके बीच में तगड़म नहीं है, सीधा ही आर नेगेटिव ने सीओ पे अटैक करना है और हमें कंपाउंड मिल जाएगा। चलिए एक और विधि बता देते हैं बनाने की, वो है कि जो ऑलरेडी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनके पास एसिड फंक्शनैलिटी है, जैसे डी, पहले मैं लिख लेती हूँ, डीकार्बोक्सीलेशन, जानते हो डीकार्बोक्सीलेशन क्या होता है, डीकार्बोक्सीलेशन का मतलब है, कार्बोक्सिलिक का मतलब COH ग्रुप, डीकार्बोक्सिलिक का मतलब हमने COH ग्रुप को हटा दिया, डी जहां भी यूज होगा मतलब हटाना, मिथॉक्सी डी मिथॉक्स, डी का मतलब मिथॉक्सी ग्रुप हट गया, जहां से भी कोई चीज को हटाना है तो क्या चीज यूज करते हैं, डी वर्ड, तो डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मींस COH, डी कार्बोक्सिलेशन मींस नहीं है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो डी कार्बोक्सिलेशन हम करते हैं ऑफ डाई कार्बोक्सिलेट एसिड्स, मतलब जिसमें दो ऑलरेडी है हमें लेकिन नहीं चाहिए, हमें एक ही बनाना है, जैसे कि मैं लिख रही हूं RCH COOH COOH, ठीक है दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है लेकिन हमें क्या बनाना है RCH 2COOH, तो हम क्या चाहते हैं इसमें से ये गायब हो जाए, तो हम इसको हीट करते हैं, गरम, सिर्फ गरम करना है, अगर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो CO2 निकल गया, पीछे क्या बचा H RCH2 COH, लेकिन इतना हीट करना है, इतना कंट्रोल्ड वे में करना है कि एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड जाए, और हमेशा जब भी किसी कंपाउंड में दो, एक ही कार्बन पे चाहे दो OH हो चाहे दो COH हो, वो रिटेन रहना मुश्किल होता है, तो इजीली फटाफट इसमें से आसानी से बहुत अच्छे माध्यम से, जस्ट हमने ही, ये हीट का सिंबल है, इसको हीट बोलते हैं, ये जो मैंने ट्रायंगल लिखा है इसको हीट बोलते हैं, ये हीट का सिंबल है, हीट है, हीट करने से क्या होगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड देखो COOH में से CO2 निकल गया, पीछे क्या बचा H, वो यहां जुड़ गया और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो ये कुछ विधियां हैं जिससे हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, मैंने सारी आपको गिना दी, पहले कर दिया हमने ऑक्सीडेशन किसका, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल्स का, दूसरा हमने किया ऑक्सीडेशन किसका, एल्काइल बेंजीन्स का, तीसरा हमने किया हाइड्रोलिसिस किसका, साइनाइड्स का, फिर हमने किया हाइड्रोलिसिस किसका, एस्टर का, हाइड्रोलिसिस किसका आपने हमने किया एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड्स का, फिर हमने किया हाइड्रोलिसिस एमाइड्स का,
तो ये कुछ तरीके थे इजीली। लास्ट बट वन क्या तरीका था, हमने RMGX और कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस रिएक्शन करी, एक रिएक्शन करी, ठोस क्रिया जिसको बोलते हैं, रिएक्शन करी, दोनों को मिलाया, पानी डाला और लास्ट में हमारे पास एसिड बन गया। और लास्ट जो मेथड है वो क्या है, ऑलरेडी ये तो एक किस्म का सही का मेथड नहीं है, ये तो ऑलरेडी ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन हमने क्या किया, हमें दो की आवश्यकता नहीं है, हमें एक ही की चाहिए, हम सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, हम डाई नहीं पढ़ रहे हैं, हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं की मेथड्स हैं। तो क्या आ गया उसमें, हमने इसको हीट किया, हीट करने से इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और ये हमारा बन गया एसिड। ये तो हो गई इसकी बनाने की विधि। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखो बच्चों प्रॉपर्टीज एक ही तरह की नहीं होती, हर कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, लेकिन प्रॉपर्टियों को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक बोलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ फिजिकल और दूसरे हम लिख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बताइए फिजिकल क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो सामने से जो बाहरी दिखती हैं, चीजें जो दिखती हैं हम उनको फिजिकल कहते हैं, और केमिकल क्या होती है, जो रिएक्शंस करते हैं, जो ये रिएक्ट करके कुछ कुछ बना सकते हैं, फिजिकल है, इसका हिसाब किताब क्या है, इसका क्या चीज है, उसको हम फिजिकल कहते हैं, फिजिकल चीजें हैं वो केमिकल चीजें हैं। अब फिजिकल का मतलब है एसिड कैसा होता है, सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है पानी में, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, देखने में सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, इनको हम फिजिकल में बोलेंगे। तो जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, चूंकि RCOH तो सिंपल है, मगर ये मैंने जैसे आपको बताया कैप्रोइक एसिड, कैप्रोलेटिक एसिड, माइस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, ये लंबी चेन होती जाती है, C18 कार्बन तक भी हमारे को एसिड्स मिलते हैं, है ना। और फिर क्या होगा, इनका नेचर क्या है, ये सारे के सारे कैसे दिखते हैं, तो क्या है, जो 10 लगभग 6 कार्बन तक हेक्सोनोइक तक जितने एसिड्स हैं ये सब लिक्विड होते हैं। ठीक है, ये मैं एलिफेटिक एसिड्स की बात कर रही हूं, ये 6 कार्बन तक लिक्विड्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे 5 तक, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ने लगते हो इनमें थोड़ा सा सॉलिड करेक्टर आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही आप कैप्रोइक एसिड, कैप्रोलिक एसिड या फिर आप पामिटिक एसिड, अगर आपको याद हो पामोलिव ऑयल्स होता था, पामोलिव ऑयल मिलता है पामोलिव से, है ना, पाम से, तो उसका जमा हुआ है, या आप कोकोनट देखते हो उसके जो ऑयल्स में जो मटेरियल है वो जम जाता है, क्यों जमता है, वो सॉलिड होता है। तो ये जैसे जैसे इनकी श्रेणी बढ़ती जाती है, कार्बन की नंबर बढ़ता जाता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक भी बढ़ता है, ये लिक्विड नहीं रहते, ये सॉलिड हो जाते हैं। तो जितना लंबा चेन होगा उतना जो या कार्बोक्सिलिक एसिड है उतना ये ज्यादा सॉलिड की तरफ चला जाता है। आगे अगर आप आगे आगे पढ़ोगे देखोगे तो क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड बोला जाता है इनको, जितना लंबा ले जाओ, और इसी का अगर सोडियम सॉल्ट बनाते हैं तो सोप बन जाती है। तो जितना लंबी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती है उतनी उसमें सॉलिड करेक्टर आता जाता है। फिर आप देखोगे इसमें डबल बॉन्ड्स भी आते हैं जिनको हम बोलते हैं अनसैचुरेशन, जितना अनसैचुरेशन उतना अच्छा, आप इतनी एड्स देखते होंगे पॉली अनसैचुरेटेड हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, घी अच्छा नहीं है, घी में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, लेकिन जो तेल है उसमें डबल बॉन्ड वाले होते हैं। चलो वो तो बाद की बात है, ये हो गया इसकी एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी सॉल्युबिलिटी, ये ज्यादातर पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, दे आर मिसेबल, मिसेबल विद वाटर, मिसेबल का क्या मतलब होता है, मिक्स हो जाते हैं, मिसेबल विद वाटर, फटाफट पानी के साथ घुल जाते हैं, कोशिश ज्यादातर रहती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये पानी में घुल जाते हैं। जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये वाली करेक्टरिस्टिक्स भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। फिर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादातर हाई, अगर हम एल्कोहल C4 को देखें और एसिड C4 को देखें, इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। एल्कोहल्स लोअर पे बॉइल करते हैं, ये हायर पे, और जो सॉलिड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट जो इवन नंबर के होते हैं उनका हायर, और जो ऑड नंबर है उनका लोअर। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ब्यूटेरिक एसिड है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 267 डिग्री है, और अगर आप पेंटेनोइक एसिड देखो जिसका ऑड है उसका 239,
मतलब है कि इवन नंबर का बॉइलिंग पॉइंट ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट ऊपर, लेकिन ऑड का जब उसी सीरीज को हम कनेक्ट करें. ये नहीं कि C3 और C5 में डिफरेंस, मतलब C3 और C5 तो एक ही रेंज में आ जाएंगे क्योंकि वो ऑड नंबर में है. जब हम एक अपने से ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे तो देखो ब्यूटेरिक का मतलब होता है C4 और इसका मतलब है C5. ये इवन नंबर है तो 267 और ये 230. ये कुछ ऐसी इसकी थोड़ी बहुत फिजिकल अपीयरेंस है. असली जो अपीयर जो चीजें हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर आप अभी तक समझ पाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी समझ आ जाएंगी. देखिए कौन सा ग्रुप है, COOH. मैंने पहले भी आप बताया इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं. क्या चीज दिख रही है, एक CO ग्रुप, एक हमें दिख रहा है OH, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है एक CO की वजह से है, एक OH जो रिप्लेस कर सकते हैं उसकी वजह से है, और एक CO नेगेटिव. ये H मैंने पहले भी बताया क्योंकि एसिड है, ये H को लूज कर सकता है और R COO नेगेटिव बना सकता है. तो मतलब कहानी उतनी आसान नहीं है. इसके पास सारी चीजें हैं, इसके पास CO ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा होगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स, है ना, उसमें कार्बोनाइल. इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ग्रुप है ये कार्बोनाइल ग्रुप है. तो कुछ तो विशेषता जुड़ गई कंपाउंड में कि थोड़ा इसमें कार्बोनाइल आ गया, थोड़ा इसमें OH आ गया, थोड़ा इसमें COO करेक्टर आ गया, या थोड़ा इसमें H पॉजिटिव एसिडिक करेक्टर आ गया. तो इसके पास चार तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज है. H पॉजिटिव होने की क्या करेक्टरिस्टिक है, इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से क्या प्रॉपर्टीज देता है, इसमें CO ग्रुप है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, और अगर OH है उसकी क्या प्रॉपर्टी, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं. तो इसके आधार पे हम इसकी 5-6 इसकी हम रिएक्शंस करते हैं. ठीक है, चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं इसकी एसिडिक बिहेवियर से. रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक नेचर. एसिडिक नेचर का क्या मीनिंग होता है, मैंने बताया आपको, मतलब एच पॉजिटिव को लूज करना और बनाना RCO नेगेटिव. तो मतलब इसकी ये करेक्टरिस्टिक है कि ये प्रोटॉन को डोनेट करता है. अगर आपने थ्योरीज पढ़ी है एसिड बेस की, लॉवरी बर्नस्टाइन थ्योरी, इन सब में क्या है, जो प्रोटॉन को दे देता है उसको हम बोलते हैं एसिड, और दूसरे को हम बोलते हैं जो लेता है उसको हम बेस. तो ये एच देता है. सबसे एक आसान तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पहचानने का, वो है ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. कैसे कर देता है ब्लू लिटमस को रेड, क्योंकि ये H प्लस को डोनेट कर देता है. H प्लस डोनेट हो जाएगा और अपने आप से हमारा ब्लू लिटमस जो है वो रेड बन जाएगा. सो RCOOH प्लस वाटर गिव्स RCOO नेगेटिव प्लस H3O प्लस. ये इसका एसिडिक नेचर है. H पॉजिटिव लिबरेट करने का ये एक रिएक्शन. ठीक है, सो पहला रिएक्शन क्या है एसिडिक नेचर का, कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. अगर आपसे कोई पूछे फटाफट कि एसिड क्या है, हम एक करेक्टरिस्टिक्स उसको बताते हैं, ब्लू लिटमस रेड में टर्न करते हैं. दूसरी रिएक्शन क्या है, किसकी वजह से, हाँ एसिडिक करेक्टर की वजह से. तो क्या है, पहली मैंने आपको बताई ब्लू लिटमस को रेड करता है क्योंकि H प्लस को डोनेट कर देता है, निकाल देता है. दूसरी है लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन. ये जो मैंने सिंबल बनाया, ये क्या है सिंबल, ये गैस का सिंबल है. तो क्या है ये हमारा एसिड, अगर हम इसको कुछ इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनके साथ ट्रीट करते हैं, तो देखिए मैं आपको पहले भी बता रही हूं ये RCO की टेंडेंसी क्या है, H को निकालना, इसने H को निकाल दिया. तो क्या कर रहा है ये, दो मॉलिक्यूल्स भी हम ले सकते हैं इसमें, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे ताकि वो बन जाएगा हाइड्रोजन. तो क्या हो गया, इसने H पॉजिटिव को निकाल दिया और ये सोडियम था, दो रिएक्ट कर गया. तो क्या बना दिया इसने, सोडियम सॉल्ट RCOONA और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस बन के बाहर आ गई. तो ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से है, ये जो H प्लस को
लिबरेट करता है, निकालता है, H प्लस लिबरेट हो गया और दो H प्लस जुड़ गए और हमारे पास हाइड्रोजन बन गया, तो हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर लिबरेशन ऑफ। नेक्स्ट है सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन क्या है? RCOH प्लस बेस। कभी भी किसी भी एसिड में जब हम बेस मिलाते हैं, आपने रिएक्शंस में पढ़ी होंगी, NaOH प्लस HCl क्या बनाते हो? NaCl प्लस वाटर। ये क्या है? बेस। ये क्या है? एसिड। और एसिड प्लस बेस मिलके हमेशा सॉल्ट बनाता है। यहां क्या है? RCOH प्लस NaOH, ये तो एसिड हो गया, ये बेस हो गया, दोनों ने मिलके क्या बना दिया? RCONA। इसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्ट। किसका सॉल्ट? सोडियम सॉल्ट। मैंने NaOH, अब मैं KOH यूज करूंगी तो पोटेशियम सॉल्ट, मैं कैल्शियम यूज करूंगी तो कैल्शियम सॉल्ट, तो बन क्या गया? सॉल्ट। लेकिन रिएक्शन किसकी वजह से है? जो इसकी टेंडेंसी है इस एच प्लस को लूज करने की, देने की, किसी को डोनेट करने की, तो उसको हम, उसकी वजह से हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टीज आ गई। क्या प्रॉपर्टी? पहली मैंने बताई ब्लू टिमस से रेड हुआ, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन लिबरेट होता है, तीसरी मैंने आपको बताई सॉल्ट फॉर्मेशन, जो कि ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है। चलिए ये तो हो गया इसका एक सेट ऑफ रिएक्शन कि हाँ भाई ये इसका एसिडिक नेचर है, नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मतलब ये अपना H प्लस को डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। H प्लस को हम प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन को ये डोनेट कर सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया कुछ प्रॉपर्टीज है विच इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसका पहले मतलब समझो फिर मैं बताती हूं। आपको मैंने बताया क्या ग्रुप है? COOH। ये तो आपने एक तो कर दी H प्लस की वजह से, दूसरा ये जो OH है, इस OH ग्रुप को हम, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो जब आपने एल्कोहल्स पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा इजिली हम इस OH ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब इस OH ग्रुप को हमने हटाना है, तो ये प्रॉपर्टी तो एसिड में भी आएगी ना, क्योंकि एसिड में क्या ग्रुप है? सारे के सारे अल्कोहल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये कैसे बिहेव करेगा? कुछ अल्कोहल, कुछ कार्बोनाइल, कुछ एसिड, तो ये क्या है? OH की जो एक प्रॉपर्टी है, खास प्रॉपर्टी है कि ये COOH ग्रुप में से OH को अगर हमने रिप्लेस करना है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं OH ग्रुप को। सो रिप्लेस करने से या तो हम एस्टर बना लेंगे, या तो हम एसिड क्लोराइड बना लेंगे, या हम एमाइड बना लेंगे, तो ये भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में ही आता है। सो पहले है रिएक्शन विद अल्कोहल, RCOOH रिएक्शन विद अल्कोहल्स। और अभी आप खुद समझोगे मैंने ये जो रिएक्शन करा रही हूं ये क्या है और ये क्या बना देगा। RCOR- जब हम इसकी पढ़ रहे थे प्रिपरेशन तो मैंने क्या बताई थी आपको, ये एस्टर है, इस एस्टर में हम वाटर डाल रहे हैं और हमें एसिड और एल्कोहल मिलता है और दोनों को मिला लेंगे तो हमें एस्टर मिलेगा। हुआ क्या, इस OH ग्रुप को किसने रिप्लेस किया? इस OR, ये OR ग्रुप, ये OH बाहर चला गया, ये OR ग्रुप इसकी जगह आ गया, तो क्या हो गई प्रॉपर्टी? किसकी वजह से हो गई? कि ये OH ग्रुप रिप्लेस हो गया, तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। ठीक है, रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड PCl5 टू गिव एसिड क्लोराइड। आप समझिए क्या बात है ये, एसिड क्लोराइड का क्या मीनिंग हुआ? एसिड क्लोराइड का मीनिंग हुआ, आपने पहले भी पढ़ा, एसिड क्लोराइड में पानी डाला तो हमने एसिड बना लिया। अब एसिड क्लोराइड को अगर हम, एसिड्स को थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड डाला तो ये बन गया RCOCl। किस ग्रुप को रिप्लेस किया हमने? OH ग्रुप को। किससे? Cl से। OH को हटा के हमने Cl डाल दिया तो बन गया RCOCl। तो क्या यूज कर रहे हैं रिएजेंट? थायोनाइल क्लोराइड। ऐसे ही अगर हम PCl5 भी यूज करें, ये किस लिए यूज हो रहा है? इसका ही क्लोरीन को ये इस्तेमाल कर रहा है।
ये देखिए, ये हमारे पास एसिड है, ये PCl4 के साथ रिएक्ट करता है, Cl PCl4 के साथ Cl इस OH को रिप्लेस कर देता है और हमें मिल जाता है थायो एसिड क्लोराइड। तो क्या हो गया, चाहे तो तुम फाइनल क्लोराइड यूज करो, चाहो तो तुम PCl5 को यूज करो। ये किस लिए यूज हो रहा है, इस OH को हटाने के लिए, रिप्लेस कर। रिप्लेस का मतलब ये होता है, तू ये हटा, दूसरा चीज आ गई, तो इसने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमें मिल गया एसिड क्लोराइड। तो अगर आपको क्वेश्चन या प्रश्न ऐसे आता है, आप एसिड क्लोराइड एक एसिड से कैसे बना सकते हैं, आप तो सोचोगे हमने तो पढ़ा नहीं, लेकिन क्या पढ़ा है आपने कि एसिड जो है उसमें OH है, OH को हम बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, क्लोरीन से। कैसे, अगर हमने उसको फिनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, अगर हमने उसको PCl5 के साथ रिएक्ट किया, या कभी कभी हम PCl3 के साथ भी रिएक्ट करके हम सेम कंपाउंड बना सकते हैं। ये तो रिएजेंट्स हैं जो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि ये OH की प्रॉपर्टी है, ये रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, अब हो गया एक और, ये तो थी एसिड क्लोराइड, पहले था एस्टर, या आप ऐसे कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। अब आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स, इसकी फॉर्मेशन हो रही है एमाइड्स की, और एमाइड ग्रुप में आपको बता चुकी हूं क्या ग्रुप होता है, CO NH2, NH2, CO NH2 ग्रुप को हम बोलते हैं एमाइड। या तो फॉर्मेशन ऑफ एमाइड बोलो, या फिर आप बोलो रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप बाय NH2 ग्रुप। किससे, OH का रिप्लेसमेंट किससे कर रहे हैं हम, NH2 से। अब हम कैसे करेंगे, ये है हमारे पास RCOOH, प्लस हमने अमोनिया डाल दिया, पहले तो बन जाता है RCONH4, नेक्स्ट स्टेप पे ये बन जाता है RCONH2, बन गया हमारा एमाइड। तो एसिड की जो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट होने से। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा एल्कोहलिक की तरह बिहेव करता है, और OH को हम या तो क्लोरीन, या तो NH2, या फिर OR से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये आगे हमें बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में काम आता है। हम ये जो पढ़ते हैं, इसका कारण क्या है, कि ये तो हमें समझ आ गई ये रिएक्शन है, कल को अगर हमने एसिड क्लोराइड बनाना हो, हमारे को बना बनाया नहीं मिल रहा है, हमने कोई ड्रग बनानी है, कोई सिंथेसिस करनी, कोई बनानी है, दवाई बनानी है, तो हमारे पास तो केमिकल ही नहीं है, तो हमें क्या पता है, हमारे पास एसिड है, हमारे पास थायनाइल क्लोराइड है, और हम एसिड क्लोराइड को बना देंगे। ठीक है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये किसकी वजह से है, ये OH ग्रुप की वजह से है। तो अभी हमने क्या करा, दो प्रॉपर्टीज इसकी देख ली, एक प्रॉपर्टी देखी किसकी वजह से, हाँ इसके एसिडिक करेक्टर की वजह से, दूसरी प्रॉपर्टी हमने देख ली इसकी किसकी वजह से, OH ग्रुप की वजह से। अब हम देखेंगे जो इसमें ये CO ग्रुप है उसकी वजह से भी कोई रिएक्शन होती है क्या, रिएक्शन ड्यू टू CO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप है जिसकी वजह से भी कोई एक्टिविटी है, कोई रिएक्टिविटी है। तो पहला है इसमें एक रिएक्शन है जो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, वो है रिडक्शन। रिडक्शन जानते हो क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन है, मैंने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर ऑक्सीजन को ऐड किया तो ऑक्सीडेशन हो गई, लेकिन अगर उसको में से ऑक्सीजन को हटा दिया तो हम रिडक्शन बोलते हैं, या अगर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया उसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं। या तो हाइड्रोजन को ऐड करो, जमा करो कंपाउंड में, हाइड्रोजन को डालो तो भी रिडक्शन होगी, या उसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को हटा दिया तो भी वो रिडक्शन होगी। एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, और मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो गई, जमा हो गई तो रिडक्शन होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स हट गए, लॉस हो गया, O2 ऑक्सीजन है, O है, और वो O2 प्लस बन गया, मतलब उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो हम उसको कहेंगे रिडक्शन हो गई। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, दैट इज ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, O से O नेगेटिव बन गया तो आपकी रिडक्शन हो गई, O से O प्लस बन गया तो मतलब
ऑक्सीडेशन हुई। अब है रिडक्शन, हम किसकी रिडक्शन कर रहे हैं, एसिड की। हम एसिड की अगर रिडक्शन करते हैं, वो भी हम जो रिएजेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम Li, ये एल्यूमिनियम Al और ये H, इसको हाइड्राइड। तो क्या हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये हमें बनाता है, दे देता है RCH2OH, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी एल्कोहल। ठीक हो गया। आप देखो ध्यान से, अगर आपको कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाए, प्रश्न आ जाए, आप प्राइमरी एल्कोहल कैसे बना सकते हैं एसिड से, तो आप सोचोगे कि हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, पता है, क्योंकि आपने जब एसिड को रिड्यूस किया, किससे रिड्यूस किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो हमें क्या मिल गया, प्राइमरी एल्कोहल। और जब आपने एल्कोहल्स पढ़े होंगे तो उसकी प्रिपरेशन में भी ये मेथड जरूर आया होगा। अगर एल्कोहल्स बनाने की विधि अच्छे से पढ़ी है तो आप देखोगे प्राइमरी एल्कोहल बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है, रिडक्शन। किससे रिडक्शन करनी है आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। और इस पर्टिकुलर, ये जो खास है, इस तरह की जो रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन होती है, हम बड़े अच्छे, बड़े आराम से प्राइमरी एल्कोहल, जिसको भी हम बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, जो पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ, 1 डिग्री का मतलब है जिसमें कम से कम 2 हाइड्रोजन्स हैं रिप्लेस करने के लिए, ये 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो इसको हम 1 डिग्री एल्कोहल। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल है CO की प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। चलिए अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है इसमें जो ये COOH ग्रुप प्रेजेंट है, रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप, इसकी वजह से जो रिएक्शन है, जो प्रॉपर्टी है, तो पहली है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या मतलब होता है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। मतलब एक एसिड से हमने हाइड्रोकार्बन बना देना है, उसमें से COOH ग्रुप गायब कर देना है। तो हम क्या करते हैं, RCOOH प्लस NaOH gives RCOONa। ये तो एक जनरल सॉल्ट वाली रिएक्शन है। फिर हीट करेंगे हम और हम बना देंगे इसमें से RH। क्या है हमारी रिएक्शन, CH3COH, ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम जैसे ही इसको हीट कर देते हैं तो ये RH प्लस सोडियम कार्बोनेट बना देता है। पहले क्या किया हमने, NaOH डाल दिया, तो क्या बन गया, सॉल्ट। ये तो कॉमन रिएक्शन है इसकी, RCONa। अब जब हम इसको हीट करते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, Na2CO3 बन के ये निकल आया, तो क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रोकार्बन। हमने इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमने R लिया है मिथाइल, तो हमारे पास बन जाएगा CH4। अगर हमने इथाइल लिया, प्रोपाइल लिया, जो भी लिया, उस हिसाब से हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। आपने इसमें से किस ग्रुप को रिमूव कर दिया, देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, पीछे जो बचा CH3OH, है ना। तो CH3OH बना, तो हाइड्रो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक हो गई। इसी की एक श्रृंखला की रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन बनाने में ही, कोब्स रिएक्शन। बहुत ही जरूरी रिएक्शन, जिसको हम कोब्स रिएक्शन बोलते हैं। कोब्स रिएक्शन वो ये है, पहले इसको सुनो क्या है ये कोब्स रिएक्शन है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी सॉल्यूशन में, किसके, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड के सोडियम सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो हमारे को जो मिलता है वो हाइड्रोकार्बन है। फिर से सुनो, एसिड जो सॉल्यूशन है, एसिड का कौन सा सॉल्यूशन, सोडियम सॉल्ट का, एसिड नहीं लेना, उसका सोडियम सॉल्ट RCONa,
सोडियम सॉल्ट हो गया, उसका अगर हमने सॉल्यूशन लिया और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी तो हमारे पे जो प्रोडक्ट बनेगा, जो बनेगा वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास है 2RCOONA, हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी तो ये बन गया 2RCO+NA+2, है ना, ये नेगेटिव, राइट। अब हमने क्या किया, 2R इलेक्ट्रिक करंट, लिखो इसको इलेक्ट्रिक करंट, RCO नेगेटिव, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो बन गया 2RCOO। ये बहुत ही अनस्टेबल है और इसमें से तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और बन गया R&R। और ये जो सोडियम था, ये सोडियम था जो इससे दो इलेक्ट्रॉन निकले वो इसने ले लिए और बना दिया Na, इज अ न्यूट्रल हो गया 2Na। अब समझो ध्यान से क्या करा, कोप्स रिएक्शन का मतलब क्या है, आपने इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। कैसे निकालना है, हमने लेना है सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट में हमने पास करनी है इलेक्ट्रिक करंट। अब जब इलेक्ट्रॉन्स हमने पास किए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया, ये डिसोसिएट हो गया, ये बन गया दो मॉलिक्यूल्स 2RCO नेगेटिव प्लस सोडियम प्लस, ये अलग अलग हो गए, ये नेगेटिव ये प्लस, ठीक है। नेगेटिव वाले ने दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और बना दिया RCO, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब क्या हुआ, ये बहुत ही अनस्टेबल है और क्या कर देता है, फटाक से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और बन जाता है हमारे पास R&R। R मतलब अगर आपके पास मिथाइल था, दूसरा मिथाइल, दो मॉलिक्यूल्स, बन गया इथेन। तो कहां से आप शुरू कर रहे हो, आप एसिटिक एसिड के सोडियम सॉल्ट से शुरू कर रहे हो और हमें इथेन मिल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी विधि है हाइड्रोकार्बन। तो अगर आपने एल्केन्स पढ़े होंगे तो अब आपको ये मेथड जरूर मिला होगा प्रिपरेशन करने का। तो देखो इंटर रिलेटेड कैसे है, अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है एसिड से, ऐसे ही एसिड से हम हाइड्रोकार्बन भी बनाते हैं। तो सिंपल हीट से हो गया, दूसरा हमने इलेक्ट्रिक करंट के पास करके, जिसको हम कोब्स रिएक्शन कहते हैं, उससे हमने पास करके ये रिएक्शन कर दी। चलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन विद ब्रोमीन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड और ब्रोमीन, और उस रिएक्शन का नाम है HAUNDS Hahn-Sticker रिएक्शन, Hahn-Sticker रिएक्शन इसका नाम है, ठीक है, Hahn-Sticker रिएक्शन है। ये रिएक्शन है क्या, एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड, RCOAG प्लस Br2 किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में हमें बना देता है RBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr। क्या है देखिए, ये कौन सा सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट। जब सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सॉल्ट, सिल्वर से रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर सॉल्ट, तो ये सिल्वर सॉल्ट है। अगर हम इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करा तो हमारे को मिल गया RBr, RBr मतलब एल्काइल ब्रोमाइड। अब देखिए फिर से वही कहानी, जब आपने एल्काइल हैलाइड्स पढ़े होंगे तो प्रिपरेशन का मेथड, एक मेथड और मिल गया जी, हमने क्या करना है, सिल्वर सॉल्ट लेना है, ब्रोमीन डालनी है और हमें एल्काइल हैलाइड। तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं, एल्काइल हैलाइड कैसे समझेंगे हम, एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड, एक अच्छा मेथड मिल गया आपको, कैसे, सिल्वर सॉल्ट को ब्रोमीन डाली और हमारे को RBr मिल गया। तो इस रिएक्शन का नाम है Hahn-Sticker रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स,
क्या है ये फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, CHO ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो क्या बताया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड किससे, एसिड से। अब बनेगा कैसे, देखिए ये है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH, ठीक है। अब मैंने इसको ट्रीट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनना चाहिए, HCOCA, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी है दो, तो एक ही मॉलिक्यूल से तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो दूसरा एक और मॉलिक्यूल आ गया, तो बना दिया कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। सोडियम होता तो सिंपल लिखेंगे HCONA, लेकिन ये कैल्शियम है क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, दो, ये तो एक ही एच छोड़ सकता है, दूसरा भी एक एच छोड़ सकता है, दोनों को बैलेंस करने के लिए कैल्शियम, एक कैल्शियम और दो फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल हो गए, दोनों जो है जुड़ गए और बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। अगर हम इसको डिस्टिल करें, सिंपल डिस्टिलेशन जानते हो क्या होता है, डिस्टिलेशन एक तरीका होता है जिसमें हम गर्म करते हैं किसी भी लिक्विड को, हम गर्म करते हैं, गर्म कर रहे हैं, सिंपल डिस्टिलेशन कर रहे हैं उसकी, तो क्या बन रहा है, देखिए आप इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकल रहा है बाहर, कैल्शियम कार्बोनेट निकला और हमें HCHO कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकाला, एक बार हम फिर से लिखते हैं HCOOCA कैल्शियम कार्बोनेट, पीछे क्या बचा HCHO, ये तो क्या बना दिया मैंने, फॉर्मल डिहाइड। तो अगर हमें कोई बोले कि आप एसिड से एल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो हमें तो आएगा ही नहीं, तो लेकिन आएगा तो है, क्यों आएगा, क्योंकि हमने उसको क्या किया, हमने उसका फॉर्मिक एसिड वाला सॉल्ट ले लिया, कैल्शियम सॉल्ट ले लिया, उसको हीट कर दिया, डिस्टिल कर दिया और कैल्शियम कार्बोनेट बन के एक चीज निकली और दूसरी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गई। तो ये होगी हमारी डिस्टिलेशन ऑफ एक और रिएक्शन। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट रिएक्शन है वो है आपकी हेलोजिनेशन ऑफ आपके एसिड्स, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है, मतलब हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप का एड होना, हेलोजिनेशन ऑफ एसिड्स, और इस रिएक्शन का नाम है हेल वॉलहार्ड ज़िलेंस्की, ज़िलेंस्की। HVZ रिएक्शन, और ये आपके पाठ्यक्रम में लिख रहा है इसको स्पेशल विशेष ध्यान देने को, क्या है ये, हेलोजिनेशन ऑफ एसिड्स। हेलोजिनेशन का मतलब हो गया इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन, हेलोजन्स का, उसको हम हेलोजिनेशन कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमने किसी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन को डालना है, जैसे हमारे पास है ROH, हमने उसको बनाना है RX, X मतलब Cl, मतलब Br, मतलब फ्लोरीन, मतलब आयोडीन, तो हम क्या कर रहे हैं, OH को हटा के X डाल रहे हैं। या हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन से हम बना रहे हैं क्लोरोबेंजीन, तो क्या बोलते हैं उसको, क्लोरीनेशन, है ना, ऐसे ही ब्रोमिनेशन, वो मतलब हुआ हेलोजिनेशन। अब ये रिएक्शन क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ एसिड्स। ये हेलोजिनेशन ऑफ एसिड्स क्या चीज है, ये कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एसिड्स कि हम किसी भी एसिड में जिसके पास अल्फा कार्बन हो, पहले तो आपको जानना पड़ेगा अल्फा कार्बन क्या होता है, उसको अगर हम ब्रोमीन या किसी भी हेलोजन को रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास बन जाता है, चलो मैं इसको एक्स लिखती हूं ब्रोमीन की जगह, एक्स Thank you.
उन एसिड्स की स्पेशलिटी है जिसके पास अल्फा कार्बन है। ये अब अल्फा कार्बन क्या चीज है, COOH के जो बिल्कुल साथ वाला कार्बन है एकदम उसके बगल में लगा हुआ, उसको हम बोलते हैं अल्फा, उसके बाद होता है बीटा, उसके बाद गामा है सोमान। ये क्या है, अल्फा कार्बन। तो क्या ये कहता है, जो अल्फा कार्बन है उसी पे हेलोजन इंट्रोड्यूस होगा। तो क्या कर रहा है ये हेलोजन, देखो इसके पास दो एच थे, एक एच एड हो रहा है और एक एच एक्स बन के निकल रहा है, मतलब एक्स और एक्स, ये एच निकल गया और ये एक्स आ गया, ठीक है। तो बन गया CH3 CH2 CH X, लेकिन इसके पास एक और अल्फा हाइड्रोजन है तो वो फिर से रिएक्ट करेंगे तो आपके पास दो एक्स उसमें आ जाएंगे। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विशेष इसकी रिएक्शन। आप अगर क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन बहुत एक्टिव है, क्लोरीनेशन आगे भी जा सकती है, यहां भी आ सकती है, यहां तक भी जा सकती है, लेकिन जो हेल्सेंस की रिएक्शन है वो यही बताती है कि रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में आप एक्स ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हो, कहां पर, अल्फा पोजीशन पर। अब मैं इसको बताती हूं हम करते कैसे हैं, फिर हमारा खत्म हो जाएगा काम। पहले है रेड फास्फोरस प्लस 3X2, ये देता है हमें 2PX3, फिर है हमारा RCH2CH2COOH प्लस 2PX3, इट गिव्स RCH2CH2COOH, फिर RCH2CH2COOH प्लस X2 गिव्स CH2CHXCOX। अब ये RCH2CHXCOX एक और मॉलिक्यूल एसिड से रिएक्ट करता है और बना देता है RCH2CHXCOH प्लस RCH2COOH। देखिए ये फास्फोरस, ये हेलोजन बना दिया 2PX3, फिर PX3 से फिर रिएक्शन COX हो गया, फिर X2 से हो गया हमारे पास, और हमारा एम ही है हमारे पास CH पे X आ जाए, लेकिन हमें यहां से X को हटाना है तो हम फिर से उसको एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। सो ये लास्ट रिएक्शन है आपकी एसिड्स की प्रॉपर्टी की, ठीक हो गया। अब मैं आपको सम अप करके बताती हूँ एक बार फिर से, ठीक है। सम अप में क्या किया, आज हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन हमारी बच गई थी, मैंने आपको बताया एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की हमने, किसकी, एस्टर्स की, बनाया हमने एसिड, फिर हमारे पास हाइड्रोलिसिस बची थी किसकी की हमने, एसिड क्लोराइड्स की, फिर हाइड्रोलिसिस करी हमने एमाइड्स की और एंड प्रोडक्ट हमारे पास एसिड बना। फिर एक रिएक्शन थी जिससे हम बना रहे थे, वो क्या था, RMGX और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, उसको हमने रिएक्ट कराया, वाटर ऐड करा और हमारा कंपाउंड कंप्लीट हो गया, बन गया एसिड बन गया। और लास्ट मैंने बताई थी ऑलरेडी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम उसको सिंपली हीट कर देते हैं उसमें से एक निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और हमें एसिड मिल जाता है। फिर मैंने आपको इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताई, फिजिकल बताई और केमिकल बताई। फिजिकल में मैंने बताया ये लिक्विड्स होते हैं, उसके बाद जैसे जैसे चेन बढ़ती है ये सॉलिड्स हो जाते हैं, फिर मैंने बताया ये वाटर में मिसिबल होते हैं, उसके बाद ये पंजेंट, इनकी थोड़ी स्मेल भी होती है ना, जितनी जितनी ये चेन बढ़ाते जाते हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट इवन वालों का हाई और ऑड वालों का लो हो जाता है एज कम्पेयर, दोनों को अगर कंपेयर करें। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टी करी, तो मैंने बताया केमिकल प्रॉपर्टी में चार प्रॉपर्टीज, एक तो ऑक्स एच वाली एसिड की वजह से, एक सीओ नेगेटिव की वजह से, एक ओएच की वजह से और एक सीओ की वजह से, तो हमने साइमल्टेनियसली वो सारी पढ़ी। पहली थी इट वाज रेड, दूसरी मैंने आपको बताई सॉल्ट हाइड्रोजन की लिबरेशन, तीसरी बताई मैंने सॉल्ट फॉर्मेशन, फिर हमने कहा ओएच को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, क्लोरीन से, एसिड क्लोराइड बनाया, एस्टर से एमाइड बनाया, क्लोरीन से रिप्लेस, अमीनो ग्रुप से रिप्लेस और
एस्टर ग्रुप से ओआर ग्रुप से रिप्लेस, तो रिप्लेसमेंट ओएच की होगी। फिर कार्बोनाइल की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, रिडक्शन किया हमने, इसको प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर दिया। और फिर CO नेगेटिव की प्रॉपर्टी आई, एक तो हाइड्रोकार्बन बना, एक कोब्स रिएक्शन करी जो मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं और हाइड्रोकार्बन बनता है। फिर हमने ये हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन करी जो COOH की वजह से थी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने बताया HVZ रिएक्शन है। सो ऐसे करते हुए हमारे सारी जो इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज समाप्त हुई है। तो अगर आपको बच्चों कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप मेरा ईमेल आईडी नोट कर लो, मैं ईमेल आईडी लिख के दे रही हूँ आपको, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल आईडी पे बात भी कर सकते हैं। VERSHAPARCHA@gmail.com VERSHAPARCHA@gmail.com। फोन